दोस्तों, अगर आपके गुर्दे या पित्त की थैली में पथरी बनी हुई है, या फिर आप पथरी बनने से रोकना चाहते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऑपरेशन के बाद भी बार बार पथरी बन जाती है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पथरी की समस्या होने पर हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से पथरी को बनने से रोका जा सकता है और मूत्र मार्ग और किडनी को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पथरी की समस्या आजकल घर घर में मिल जाती है। इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा सहनीय होता है, लेकिन पथरी के मरीजों को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि वो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, जिससे उनकी पथरी ना बने और अगर बन गई है तो उसका साइज़ ना बढ़े। तो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न खत्म होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि पथरी को बनने से रोकती हैं और जिनका सेवन पथरी के मरीजों को ज़रूर करना चाहिए। गाजर, करेला, आलू, मूली और कद्दू, ये सभी सब्जियाँ पथरी को बनने से रोकती हैं। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और बहुत से गुणकारी घटक होते हैं। बात करें फलों की तो केला, नींबू, खुरमानी, बेर, सेब, बादाम, ये विटामिन से समृद्ध होते हैं जो शरीर के ऑक्सीलेट एसिड का विखंडन करते हैं, यानी ऑक्सीलेट के एसिड को तोड़ते हैं और पथरी को बनने से भी रोकते हैं। तो जौ, चिड़वा, मूंग दाल और काला चना, इसके अंदर बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। रोजाना कम से कम 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, एलोवेरा जूस, मकई रेशम का पानी, अनानास जूस, मट्ठा, ये सारी चीज़ें पथरी के मरीजों को ज़रूर पीनी चाहिए। नारियल पानी में उपलब्ध जैविक घटक, मकई रेशम में उपलब्ध टार्टरेट, नींबू में उपलब्ध सिट्रेट पथरी को बनने से रोकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन पथरी के मरीजों को ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा पपीता, लहसुन, कैनबेरी जूस, दही, गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें पथरी के मरीजों को ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि एक संतुलित आहार भी होते हैं और इसका सेवन करने से किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, पथरी के मरीजों को दिन में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब हम जानते हैं वो चीज़ें जो पथरी के मरीजों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए या कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पथरी को बनाने का कारण होती हैं और ये पथरी को बनाने में मदद भी करती हैं। जैसे कि बैंगन, बीन्स, भिंडी, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और पालक, इनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो पथरी को बढ़ाने में मददगार होती है, इसलिए अधिकतर रोगियों में ऑक्सलेट की पथरी होती है। अब बात करें फलों की तो काले अंगूर, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, चीकू और फालसा, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर अम्लता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि पथरी को बनाने का एक मुख्य कारण होता है। बात करें अनाज की तो मैदा, ओटमील और ब्रान, ये चीज़ों में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा कॉफ़ी, काजू, चॉकलेट, पॉपी सीड, ये बहुत ही ज़्यादा अम्लता वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, इसलिए इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा राजमा, मशरूम, फूलगोभी और मटर, इन चीज़ों में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पथरी को बनाने का एक मुख्य कारण होते हैं, इसलिए इन चीज़ों का कम से कम सेवन करना चाहिए या बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।